जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ पीताम्बर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एकादश भाव की। एकादश भाव को अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो आय भाव के नाम से हम जानते हैं। आय यानी कि हमारी इनकम का स्रोत क्या है, किन मार्गों से हमारे को धन की प्राप्ति होती है, हमारे पास धन किन मार्गों से चलकर आता है, व्यापार के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, नौकरी धंधे के द्वारा, कृषि के द्वारा या अन्यत्र किसी और कर्म के द्वारा। मार्ग कोई सा भी हो पर जो धन का आगमन हमारे पास होता है उसे हम आय के रूप में जानते हैं, अर्थात जो हमें धन की प्राप्ति होती है, जो भाव कराता है, जिसके द्वारा हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस भाव को हम आय भाव के नाम से जानते हैं। आय भाव के द्वारा हम संपूर्ण धन के आगमन के मार्गों का, उन मार्गों से किस मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन हमारे पास होगा, मध्यम स्थिति का हमारा जीवन यापन हो जाए, संचालन चलता रहे उस स्थिति का धन होगा, अल्प मात्रा का धन हमारे पास उपलब्ध होगा, या फिर हम धन के अभाव में हमेशा ग्रसित रहेंगे, इस बात की जानकारी हमें यह आय भाव देता है। इस भाव से धन के आने के जो जो भी मार्ग हैं उन सभी को हम देखते हैं। आकस्मिक लाभ, आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया और आपका भाग्य साथ दे गया, लॉटरी खुल गई, आकस्मिक धन लाभ हो गया। आपने सट्टा लगाया, आपका भाग्य साथ दे गया और आपको धन की प्राप्ति हो गई। कहीं से गड़ा धन मिल गया, आकस्मिक रूप से प्राप्ति हो गई। जो भी तरीके हों धन लाभ के, स्वयं की मेहनत के द्वारा या बिना मेहनत किए अचानक कौन बनेगा करोड़पति वाली स्थिति में कहीं आपका भाग्य साथ दे गया और आपको धन की प्राप्ति हो गई, यह सारी बातें अगर हमें दर्शाता है तो वही यह एकादश भाव, जिसे हम आय भाव के नाम से जानते हैं, बतलाता है। हमें लाभ किन किन स्थितियों में, किन कारणों से, कब कब, कैसे कैसे बनेगा, यह सारी बातें इसी भाव के द्वारा हम ज्ञात करते हैं या इनका ज्योतिषकर्ता विचार किया जाते हैं। इसी भाव के द्वारा मित्रों का, दोस्तों का सुख हमें कैसे प्राप्त होगा, हमारे बहुत मित्र होंगे, कम मित्र होंगे या मित्र होंगे ही नहीं, जो मित्र होंगे हमें सहयोग देकर आगे बढ़ाने वाले, हमारे जीवन को मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे या हमारी टांग पकड़कर, पैर पकड़कर खींचने वाले होंगे, या तटस्थ भाव में जिनका हमें न तो बहुत सहयोग प्राप्त है, न असहयोगी हैं, न उनसे लाभ है न हानि है, इस प्रकार के मित्र होंगे, इस बात की जानकारी यही एकादश भाव यानी कि आय भाव हमें देता है। हमारे भाई स्वयं के एक ही पिता की औरत संतान, अगर चार भाई है तो उनका आपस में कैसा तालमेल होगा, कैसा आपस में सामंजस्य होगा, प्रेमपूर्ण व्यवहार होगा, सद्व्यवहार होगा या दुर्व्यवहार होगा, या भाई भाई का दुश्मन होगा, या एक दूसरे को तटस्थ भाव से देखेंगे, ना उनके अंदर बुराई होगी ना भलाई होगी, ऐसी स्थिति होगी। भाई और दूसरा जमाई यानी बहन का पति, वह किस प्रकार होगा, जैसा अभी मैंने भाई के विषय में बताया उसी प्रकार से जमाई भी उनके साथ सहयोगात्मक असहयोगात्मक कैसा रुख अपना कर, कैसा जीवन यापन करेगा, इसकी जानकारी हमें यही आय भाव देता है। समाज में उस जातक की क्या स्थिति है, वह श्रेष्ठतम स्थान पर एक उच्च अधिकार लेकर उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है या सामान्य नागरिक है, या समाज में उसकी कोई मान प्रतिष्ठा ही नहीं है,
किस प्रकार की समाज में उसकी स्थिति है यह हमें जो दर्शाती है, तो वह यह दशम भाव की स्थिति ही हमें बतलाती है। उस व्यक्ति के पास वाहनों का कैसा सुख होगा, बहुत सारे वाहन होंगे, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कई ब्रांडेड अलग अलग कंपनियों की गाड़ियाँ, या एक आध गाड़ी या उससे भी वंचित रहने वाला वह व्यक्ति होगा। वाहन सुख की प्राप्ति अप्राप्ति भी यही आय भाव दर्शाता है। इसके द्वारा जीवन में कब कब लाभ होगा, कब हानि होगी, किन कारणों से लाभ होगा, किन कारणों से हानि होगी, इत्यादि सारी जो बातें बात ज्ञात की जा सकती है, वह इसी भाव के द्वारा की जाती है। संपत्ति, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, बहुत सारे भवन, कोठियाँ इत्यादि, बहुत सारे प्लाट्स जो है, ये स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। भूमि, भवन, सवारी इत्यादि का जो सुख है, वह किस मात्रा में, किस समय, कब कब होगा, यह इसी भाव के द्वारा हमें मालूम पड़ पाता है। इसके अतिरिक्त जो यंत्रालय हैं, मशीनरीज हैं, उनके द्वारा आय की प्राप्ति होगी। किसी के कारखाने होंगे, फैक्ट्रियां होंगी, जहां बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी होगी और उन पे बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत होंगे, ऐसे बहुत बड़े विशालतम उद्योग होंगे, लघु उद्योग होंगे, मध्यम श्रेणी के उद्योग होंगे, जिसमें मशीनरियों का उपयोग होता होगा, इस प्रकार के कारखाने होंगे इत्यादि बात की जो जानकारी मिलती है, इसी के द्वारा हमें ज्ञात होती है। व्यक्ति किन कार्य क्षेत्रों को चुनता है अपने जीवन में आजीविका का साधन बनाने के लिए, वह हमें इसी से मालूम पड़ता है। व्यक्ति का अपने जीवन में मिलने वाले इष्ट मित्रों से, परिवारजनों से, सगे संबंधियों से, पारिवारिक जनों से, या अन्यत्र अपने गांव, शहर, कस्बे के लोगों से कैसा मेल मिलाप रहेगा, उनके द्वारा उसे कैसे सहयोग असहयोग की प्राप्ति होगी, इन सारी क्रियाओं की जानकारी भी इसी भाव के द्वारा ज्ञात की जाती है। उसे कब कब किन कारणों से किन सुखों की प्राप्ति होगी, या वह सुखों से वंचित रहेगा, आकस्मिक रूप से उसे कब कब किन कारणों से कैसे धन लाभ होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों की जानकारी भी हमें इसी भाव के द्वारा ज्ञात होती है। आभूषण, स्वर्ण आभूषण, बहुत रत्न जड़ित आभूषण लोग नगीने पहनते हैं, नीलम, पन्ना, पुखराज इत्यादि जो बहुत महंगे महंगे रत्न हैं, उनसे जड़ित स्वर्ण आभूषण की अंगूठियाँ, या जिसमें स्वर्ण की मात्रा अधिक हो, ऐसा स्वर्ण आभूषण स्त्री या पुरुष जातक के पास किस मात्रा में, किस श्रेणी के होंगे या नहीं होंगे, या अल्प मात्रा में, मध्यम मात्रा में कैसे होंगे, इन सारी बातों की जानकारी यही आय भाव हमें देता है। उसकी कार्य कुशलता किस प्रकार की है, वह जो कार्य करता है उसमें कितना कुशल होता है, यानी कि जो वह सोच के चला है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति को हस्तगत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ा है, उसको प्राप्त करके ही रुकेगा, उसको प्राप्त करके उससे भी और चार कदम आगे निकल जाएगा, या उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इत्यादि बातों की जो जानकारी देता है वह यही आय भाव देता है। इस आय भाव पर अगर गुरु बृहस्पति ग्रह जो है वह विद्यमान है, तो वह इसका कारक ग्रह माना गया है, इसको बलवान बनाने वाला है, इसकी बलवत्ता को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देने वाला है, बलशाली बना देने वाला है। इससे शारीरिक अंगों के विषय में अगर हम जानकारी लेना चाहें, तो बाएं यानी कि उल्टे कान के विषय में, पैरों की पिंडलियों के विषय में ज्ञात किया जाता है कि इन्हें कब किस प्रकार की बाधाएं पहुंचेगी, रोग होंगे, रोग कितने समय तक
स्थिर मात्रा से रहेंगे, स्थिरता पूर्वक रहेंगे, अल्प समय के लिए रहेंगे या कुछ समय रोग शरीर में उत्पन्न होगा और फिर स्वयं ही चला जाएगा। ये सारी बातें जो ज्ञात की जाती है इस एकादश भाव के द्वारा, आय भाव के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ पीताम्बरा। दोस्तों, जैसा कि अब तक पंडित जी से हमने ज्योतिष के बारे में जाना और समझा भी, तो अगर आपको भी अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष से समाधान।